क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जिंको गूगल मैप समझ ही नहीं आता? खींच रहा हूँ भाई, फंस रहा हूँ। तो भाई ये लड़कों की लड़ाई में नहीं आता, लड़कियों की लड़ाई में जाता था ये। शहर की छोरी पसंद की गांव की छोरी पसंद? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है श्रेया। गौरव ने मुझे बोला, श्रेया एक आर होम पे एक निबंध लिखो। आर होम इज नॉट आर होम, इट इज श्रेयाज होम। बिकॉज एवरीथिंग इन आर होम हैपेंस एज पर श्रेयाज विल एंड चॉइस। इट इज नेवर आर चॉइस, इट इज हर चॉइस। आर होम इज समथिंग दैट we find peace in. We'll find peace in anyone's home at 1 a.m. okay. Our home is something that we can eat, sleep, bathe as per our own will. Bathe is the word for today. Not bath. As but per there our is own lot of bath bhav in our home. सोते भी जोक्स मारता यार, व्हाट अ टैलेंट। आवर होम इज समथिंग, आई मीन आई एम नॉट इन फुल सेंसेस, ऑल्दो स्टिल आई एम लाइक किलिंग इट विद जोक्स। हां, क्या आवर होम इज समथिंग दैट वी कैन, आई वांट टू स्लीप इन आवर होम, काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ आवर होम सो दैट वी कैन स्लीप। आवर होम पे निबंध। इन 1 मिनट अगो ओनली यू सेड वी कैन स्लीप पीसफुली इन आवर होम, हाउएवर आई कांट फाइंड दैट। गौरव बोल रहा है कि मैं तो व्लॉग बनाता नहीं हूं, तो अब मैं शर्मा व्लॉग ही कर देता हूं। आप टेक ओवर कर लो। कोई कोई दिन होते हैं ना जब आपको बहुत भूख लग रही होती है, जब आपको लगता है ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। खा भी लिया, एक रोल खा लिया, आधा क्रोसां खा लिया, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ सियारपाक गोलगप्पे खाने। यार सियारपाक कब पहुँचेंगे हम? अब भी खाया है यार तूने? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मेरे को समोसा भी दिख रहा है मेरी आंखों के आगे, मुझे गोलगप्पा भी दिख रहा है, मुझे वो आलू चॉप भी दिख रही है। स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं इसे। नहीं, स्ट्रेस नहीं है मुझे कोई, मुझे बस ईटिंग है, ईटिंग स्ट्रेस है कि कब मिलेगा। फनी तो है तू। इसमें पैक करा है, तुझसे इतना भी कंट्रोल नहीं हो रहा है? मुझे भूख लग रही है ना यार, गाड़ी रुके तो सही, कहीं लाल बत्ती आए लंबी तो खाऊं। फाइनली समोसा। इस व्लॉग में लोगों के मुंह में पानी आने वाला है, गंदा वाला। खट्टा पानी ले रहा है। नेक्स्ट राउंड समोसा। ये समोसा खा रहे, दो आलू चॉप पैक। ये बंगाली समोसा साइड आ जाओ, भी आप नहीं खा रहे बिल्कुल भी? तू पहले खा तो सही। It's not just me. She's also on it. गौरव इतना बिंज कर ही रहा है तो हम क्यों पीछे रहे? भाई वाह। सीआर पाक दो ही ले आए क्या? चलो दो ही खा लेंगे, ले आए, मैंने बोला तो नहीं था। उसके बाद मिष्टी दो ही खाया जाएगा। अच्छा है। ये स्टॉप इन लास्ट लेग ऑफ आवर फूड टूर। चाय। भाई बम बनेगा ना पेट में तो समझ आएगा। गौरव को ये वाली मार्केट्स बहुत अच्छी लगती है ना गोभी? मेरा ड्रीम जॉब यही सब है, पता है। हाँ, मैं फालतू पढ़ रही हूँ काम वाम के चक्कर में। पर सही है, वो कर लूंगा अभी तो, बाद में आराम से कर सकता हूँ। ये लोग तो दिल्ली में जो डीडीए वाली मार्केट्स होती है बहुत मजा आता है, पता है, बैठ के चाय पियो, बैठो बस एक मोमो खा लो। भाई जितनी सुस्ती में कल रात को सोया था उतने ही जोश में आज सुबह उठाऊँ, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं मसूरी लैंडोर के लिए और 2 दिन बाद जाना है हमें शादी में। एंड ऑब्वियसली भाई शादी में जाएंगे तो स्किन तो ग्लो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपना फेशियल करके जाने वाला हूँ। एंड फॉर फेशियल आई एम गोना यूज मामाअर्थ न्यू फेशियल किट। 2 ऑप्शंस, विटामिन सी है फेशियल किट और उपटन फेशियल किट है। मैं उपटन यूज करने वाला हूँ क्योंकि भाई साहब शादी के माहौल में आपको पता है उपटन थोड़ा लगाते हैं। इसके अंदर टर्मरिक है, सैफरन है, टर्मरिक के बारे में आपको पता ही होगा, इट हैज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सैफरन ऑब्वियसली स्किन के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा ग्लो इंस्टेंट देता है। यूज करेंगे उपटन किट। इट्स अ 6-स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 क्लेंजिंग मिल्क, स्टेप 2 फेस स्क्रब, सूदिंग जेल, मसाज क्रीम, फेस मास्क एंड एट द एंड ग्लो क्रीम। व्हाई आर यू लाफिंग फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा? दूल्हे ने भी इतना प्रिपरेशन नहीं किया भाई। वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टेप इज उपटन फेस स्क्रब। थर्ड स्टेप इज सूदिंग जेल। अरे हाँ भाई, दिस प्रोसेस इज गुड। फर्स्ट स्टेप वॉज क्लेंजिंग, सेकंड शब्द हाथ में लगा दिया, सूदिंग जेल यार।
तो तू बड़बड़ करेगा तो मुंह बंद रखना चाहिए ना। नाउ कम्स द मेन थिंग, नाउ कम्स द मसाज क्रीम। श्रेया अपवर्ड सर्कुलर मोशन वही कर, ये कौन सा मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, आंख वाला कर रहा है ऐसे। सीधा रखना को भी इधर क्यों मुंह कर रहा है, ऐसे रख भाई। मेरे तो नींद ही आ गई, बता मसाज क्रीम लगाते लगाते क्या चेहरा बदलता जा रहा है, देख रहे हो आप। श्रेया मैं रोज करूंगा पता है, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, द फेस मास्क। भाई मैं करके आया, कितना सही श्रेया, अलग ही शक्ल नहीं होगी मेरी। वाह यार बड़ा ब्यूटीफुल आया, मैं अपनी खूबसूरती को छुपा के रखता था हर दुनिया से। ग्लो क्रीम फॉर ड्राइनेस जो होगी वो हटा देगा। हाँ ड्राई। तो यस गाइस, इन केस यू वांट टू ऑर्डर एनी ऑफ द मामाअर्थ प्रोडक्ट्स, कैन यूज माय कोड GauravK2023 ऑन मामाअर्थ ओन वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन देयर ऐप। आई सजेस्ट दैट यू डाउनलोड देयर ऐप, क्योंकि उसके ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ा पहले आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड आर मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। And yes guys, every time you make a purchase from Mama Earth, they will link your order to a tree which you can actually track on a website, and their target is to plant more than 1 million trees by the end of 2025. One most important thing that Mama Earth has also a lot of offline presence nowadays. So yes, you can go and check it out. Take care, see you. Ab hum nikalte hain Landor ke liye. Hey guys, welcome to another vlog. Aaj ka vlog jo kiya bahut important hai. Shreya drive karke leke ja rahi hai Mussoorie aaj. To thank you Shreya. Main nahi kar rahi hu, main khali Delhi ke traffic se nikal rahi hu tujhe. Jab tu sabse zyada cranky rehta hai. सुबह क्रैंकी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही चला लेती हूँ। चल चुकी है शेयर लेके जा रही है मसूरी, दिल्ली के बाहर तक तो निकाल रही है, उसके बाद मेरठ वाले हाईवे पे मैं ले लूंगा। भाई मैं 6 बजे निकलना था मसूरी के लिए, हम निकले 9:30 बजे, टाइम दिखा रहा है 6:50। और मैंने नोटिस करी, जब भी श्रेया गाड़ी चलाती है ना तो मैं श्रेया को वो सारी बातें बोलता हूँ जो श्रेया मेरे को चलाते टाइम बोलती है। पहले गाड़ी अगर आप लेफ्ट लेन से निकालो, मिडिल लेन लेफ्ट लेन से थोड़ी तेज जाती है इससे, और हाँ बताया नहीं आपने, पर श्रेया बोलती थी और ये हमारी गाड़ी देखो दोस्तों कहाँ चल रही है, एक बार राइट वाली झाड़ी के पास, इट लेन इज द फास्टेस्ट, इज सपोज टू बी द फास्टेस्ट लेन, जैसे दिल्ली के ट्रैफिक में चलता है लेफ्ट लेन से साइड साइड काट काट कर निकालते रहो। दोस्तों क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जिनको गूगल मैप समझ ही नहीं आता है? इस सड़क पे जब हम यहाँ वाले रास्ते थे ना, इस पे यहाँ पे पूछ रही गुब्बी सीधा लेना है या यहाँ लेना है। अरे कंजेशन आ गया बहन, कंजेशन पहले आ जाता है यहाँ, हर जगह कंजेशन चल रहा, सारा नाक में कंजेशन, सड़क पे कंजेशन, पेट में कंजेशन, कितना कंजेशन झेलूं मैं। हे गाइस, डायरेक्टली फ्रॉम द हाईवे इनटू एन अमेजिंग प्रॉपर्टी इन लैंडोर। भाई बढ़िया है, करती टूरिस्ट हरकतें शुरू आती, मानना जरा देख, पता है कहीं कहीं पीछे से फट जाता है, ये पीछे से फट जाता है, पीछे से होता है ऐसा होता है एक तो हो जाओ भैया, आप मुझे बताओ कैसे करते हैं, निशाना लगाना है, मैं आंख बंद करके लगाना है, हाथ नहीं हिलना चाहिए, कोई हाथ नहीं हिलना चाहिए, एटलीस्ट उसका 60% एरिया पे भी गुब्बारे हैं आपसे वो भी। हाँ वही ना, नहीं ना, गौरव जी ने कमान अपने हाथ में लिया। सलमान भाई इधर, अरे भैया हम एकदम नल्ले हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। भाई 10 मार दिए, कितने मार दिए, 9 हो गए ना, एक भी नहीं गया पता, बड़ी बात। ओह नाइस, आई थिंक बंदूक की गलती थी फर्स्ट वाली, लास्ट है। वाओ, को भी पोस्ट सम वाइन फॉर योर रईस बीवी, जो अखबार में लपेट के बोतल लेके आई है वो। बस इतना कोई ग्लास भर के देता है यार, तू क्या शिकंजी की तरफ पी रहे वाइन। भाई एक तो मेरे को बड़ा स्कैम साउंड आता है, लिखते हैं 1 ग्लास और इतनी भर के दे देते बदतमीज की तरह। हे गाइस, फ्रेंड की शादी में आए हैं, मसूरी से ट्रिप खत्म करने के बाद हम आ गए हैं अभी ग्लोरी हॉल में, ग्लोरी मेरे मन में ये आया पता, ग्लोरी होटल नाम है तो मेरे मन में ये आया, यार व्हाट इज ग्लोरी हॉल बताइयो, यू आर हैव नो आईडिया व्हाट इज ग्लोरी हॉल, इफ यू हैव एनी आईडिया प्लीज राइट इन द कमेंट्स। यार हम पार्किंग में बदल रहे हैं, चलो पूरा ऐसे, सॉरी यार घर वाले ही माहौल है तो क्या करें, पजामा भाई इतने गंदे लगते हैं ना अगर इनके ऊपर कुर्ते ना आए तो, नहीं दिखा इधर दिखा इधर, अरे हाय तो भैया होटल से रेडी होकर आ गए, ये उठा ली बस, नेट से गेट यू हिट्स।
टाइट है यार ये। इतना टाइट कैसे हो गया, अभी तो पहना था दूसरा ये तुमने ट्राई क्लीन नहीं करा, ये बटन बंद कर ले। भाइयों आपको जो भी लेना हो मान्य वर्ष सोच समझ के लेना है। अभी 2 महीने पहले कलकत्ता वाली शादी में यही कुर्ता पहना था, एकदम फिट आया था, डांस वांस करो। एक धुलाई में ऐसा घुस गया साला, एक तो यहाँ पे दोस्त कुकर भी दूसरा लेके आया हूँ। कैसे पहन रहा है और कैसे पहन रहा है, ये सही लग रहा है, यही मान्य वर है एक्चुअली। कुछ ब्लॉग में बोल दे यार, ध्यान दे दे सामने भी। इज इट द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? ठीक है क्या हुआ? कोई तो कोई एक दोस्त आई नियाल की है कोई तो खट्टर से ऐसे लाइन वाले कह रहा बैठो बैठो, फिर वो बैठ नहीं जाते। उन्हें तिवारी की प्लेट देखती उठ के चली गई। मंचूरियन, चावल, सलाद, पनीर, आइसक्रीम, गोलगप्पा, दाल, हो गया टिक्की खत्म। दो लड़के लड़े थे हमारे कॉलेज में ना, उससे पे 2 दिन पहले लड़कों की लड़ाई हुई है। लड़कों की लड़ाई में सर्वर फट गए, सामने खड़ो का समोसा खा रहा बैठ के, कह रहा मैं घुसू किसी और की लड़ाई में, मेरे को समोसे में आलू सही नहीं लग रहा ये खट्टा। फिर भी भाई दो लड़की दो बंदियों की लड़ाई, एक उसमें से बोल वसम कुंज वाले टाइप की, यही बस आप वाई आर यू हिटिंग मी, वाई आर यू डूइंग दिस, और दूसरी तो एकदम ऐसी थी कि तेरे मुंह पे मिट्टी मल दूंगी। तो उस लड़ाई में पता खट्टर उसको मीडिएशन करने गया था भाई, उनकी लड़ाई में ना घुस गया बीच में जाकर के, और एक को यहाँ पकड़ा एक को यहाँ पकड़ा, मत लड़ो लड़ना गलत बात है क्या। तो तिवारी भूल गया, तिवारी नहीं बताया, कह रहा भाई मेरे सामने साला जाकर के गर्दे में दबो के दोनों, कह रहा मत लड़ा मत करो प्यार से रहो। तो भाई ये लड़कों की लड़ाई में नहीं आता, लड़कियों की लड़ाई में जाता था। जीके वाला क्वेश्चन पूछा वो जो तिवारी ने पूछा, तिवारी ने बोला सारंगपुर से हिमाचल शिमला पास में, तो भाई गौरव ने बोला है सारंगपुर से कैसे पास में जाएगा। सो देन द होल कॉन्वर्सेशन केम कि यूपी जो है हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं। नहीं करता। करता है, यूपी का थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, एंड मे बी दैट इज कुछ भी मत बोलो। हाँ नहीं है भाई वो मैप में तुझे मानना नहीं है तो मत मान, मत वो दिखा हुआ तो है उसमें। मैंने भी एक मैप देखा उसमें ना थोड़ा सा केरला भी हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा था। केरला खट्टर जो हमने गाड़ी रोकी है देखने के लिए, तो खट्टर को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमने गाड़ी स्पेशली ये देखने के लिए रुकवाई है। खट्टर 10 मिनट से गन्ने का जूस मांग रहा, मैंने कहा तिवारी दे दे से गन्ने का जूस। जैसे कि हमने बोला हम बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमारी एक कॉन्वर्सेशन इस पे रुकी है कि विमल, हमने एक बोर्ड देखा था पे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन तीनों ऐसे करके खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, क्या ऐसे करके जो पान मसाले के लिए ऐसे फेंकते हैं इसीलिए। तो वो हमारा डिस्कशन हो रहा है कि तिवारी बोला नहीं ये ऐसे काटने के लिए, खट्टर बोला नहीं ऐसे पकड़ते हैं लोग सब पान मसाला इसीलिए। तो वी आर ट्राइंग टू डिसाइफर कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये विक्ट्री तो नहीं है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ऐसे है ना। हाँ क्या है गौरव बोले पीक फेंकने के लिए। विमल वी से विमल है ना, तो वी है। अच्छा ये वी है। सहारनपुर से घर जाते टाइम गन्ना पीने के लिए रुक गया है। शहर की छोरी पसंद की गांव की छोरी पसंद? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के साथ जिंदगी काट दूंगा।